का संचालन की आस अब टूटने लगी है। स्वास्थ्य अधिकारी भी खुलकर इस मामले में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2004 में जिले में सर्वे कराया तो मुख कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज जिले में मिले थे। सर्वे की हकीकत के बाद वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कैंसर यूनिट को स्वीकृति दी थी। वर्ष 2008 में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से जिला अस्पताल परिसर में यूनिट बनकर तैयार हुई। सत्ता परिवर्तन हुआ तो यूनिट से भी ध्यान जाता रहा। वर्ष 2012 में दोबारा सपा की सरकार बनी। 2013 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूनिट को शुरू कराने के निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था सीमेंस और सैफई मेडिकल कॉलेज की टीम ने उस वक्त संयुक्त सर्वे किया था। प्रारंभिक सर्वे में मशीनों की खराबी बताकर संचालन पर सवाल उठा दिए थे। बाद में 2018 में शासन ने दोबारा सुध ली और एक MBBS डॉक्टर के साथ 9 स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 2019 में शासन के निर्देश पर कंपनी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने दोबारा सर्वे किया तो यहां रेडियोथेरेपी मशीनों के साथ लगभग सभी बड़ी मशीनें पूरी तरह से संचालित मिली थी, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर से नए सिरे से संचालन की सुख बुहार शुरू हो गई। CMO डॉक्टर AK पांडे का कहना है कि इस संबंध में जो भी सूचना मांगी गई थी वह उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। सर्वे टीम भी निरीक्षण कर चुकी है। अंतिम फैसला शासन को ही करना है। अभी हमें आप लोगों से ही संज्ञान में आया है इस बात के बारे में, तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम इसकी जांच कराने के लिए हम आदेश कर दे रहे हैं। जांच होते ही जो कार्रवाई गड़बड़ी होगी उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, परिजनों का आरोप है कि ये उसकी जांच तो करानी होगी ना जी। उसकी जांच करा करके और जो कार्रवाई की जाएगी।